भी स्टार्ट कर दी है मैंने। उसके बाद इस फाइल का नाम एड प्रो एप डॉट जावा ये मैं नाम रख रहा हूँ और उसके बाद इसे सेव कर रहा हूँ। ये सेव हो चुका है, बस ये फाइल यहाँ पे रख देता हूँ। दूसरी बार डबल स्लैश दे दो, इसे एज अ कमेंट दे दो और अब तुम अपना नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट करो, इस पर ध्यान ही मत दो। ये लाइन लिखी हुई है, इसके बारे में सोचो भी मत। पहले मुझे क्या करना है, एक एप्लेट की जरूरत है। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था एप्लेट, हमें उसे एप्लेट को इंपोर्ट अगर करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जो एप्लेट है उसकी मुझे जरूरत है। आया समझ में? एप्लेट नाम की क्लास है। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार, ये भी मैं लिख रहा हूँ ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार भी मैंने लिखा हुआ है। ये दो चीजें लिख दी है, ए डब्ल्यू टी इसलिए कि मुझे कुछ बटन्स बनाने हैं, मतलब मैं किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। मुझे क्या चाहिए तुम लोगों को पहले स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन 500x500 की रहने वाली है, मतलब ये समझ लो 500 ये साइज है। एक मिनट खाली। तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो, मुझे स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, एक ग्राफिकल इंटरफेस है। यहाँ पे दिखना चाहिए एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर ये मेरी ग्राफिकल स्क्रीन है, ऐसे यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड दिखनी चाहिए जिसमें यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा। फिर यहाँ दिखना चाहिए एंटर सेकेंड नंबर, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड नंबर। उसके बाद मुझे यहाँ स्क्रीन पे एक और टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए जहाँ पे तुम नंबर एंटर करोगे। फिर एक बटन दिखना चाहिए यहाँ पे और उस बटन पे क्या दिखना चाहिए, ऐड। बस जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, मतलब मैं इसे बटन बोल रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ दिस इज द बटन, इससे मैं बोल देता हूँ दिस इज द टेक्स्ट फील्ड, टी कैपिटल टेक्स्ट फील्ड नाम की जो क्लास है वो। उसके बाद मैं इसे लेबल बोलता हूँ, दिस इज द लेबल, और जो रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ दिखना चाहिए, एडिशन इज वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे दिखना चाहिए इस जगह के यहाँ पे, ये जो मैंने डॉट 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 कर रहा हूँ ये भी लेबल लेबल जैसा ही दिखेगा। ये हो गया, मुझे इस तरह का एक इंटरफेस, एक एप्लीकेशन बनाना है और ये एप्लीकेशन बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कोड लिखा और मैंने बताया तुम लोगों को एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास का नाम मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे इस समय एड प्रो एप, ये क्लास का नाम। उसके बाद मैं एक्सटेंड्स लिख रहा हूँ, एक्सटेंड्स मतलब मैं क्या एक्सटेंड्स करने वाला हूँ, एप्लेट नाम की क्लास को ये एक्सटेंड करने वाला हूँ, मतलब एप्लेट नाम की क्लास के अंदर की सारी चीजें जो कुछ होगा वो सब कुछ जो है इस एड प्रो ऐप के पास आ चुका है। मतलब ये एप्लेट नाम की क्लास पहले से बनी हुई है, इसके अंदर अगर 10 फंक्शंस है तो 10 के 10 फंक्शंस को ये एक्सेस कर सकता है, एड प्रो एक्सेस कर सकता है। मुझे ये चीज तुम लोगों को बतानी है, ये भी तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अब मैं लगे तो आगे जाता हूँ इसे, इसके लिए आगे जाने के बाद अभी मुझे यहाँ कोड लिखना है। अच्छा इस पार्ट को रन करो एक बार, इसे रन करके भी तुम्हें दिखाता हूँ। रुको, कोई तो ज्वाइन कर रहा ठीक है, तो इस पार्ट को मैं रन भी करके पहले तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ से भी बैक जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है उस जगह पे जा रहा हूँ, एड प्रो एप डॉट नाम का जो जावा फाइल है यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओपन पावर शेल, पावर शेल ओपन किया। मैं यहाँ लिखता हूँ जावा सी, मुझे कंपाइल करना है, मेरी फाइल का नाम है एड प्रो एप डॉट जावा, एड प्रो यहाँ पे एप डॉट
डॉट जावा। मैं जैसे ही एंटर करूंगा, एक यहाँ पे सबसे पहले तो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, एड प्रो एप डॉट जावा नाम की फाइल सेव कहाँ हो रही है। अच्छा, एक इस फोल्डर के अंदर है तो मुझे इसके अंदर यूज करना पड़ेगा, तो मैं पहले तो इसे क्लोज कर रहा हूँ। इसके अंदर जा रहा हूँ, कौन सा, 10 जावा, यहाँ पे है। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो अब उसके बाद फिर से यहाँ पे पावर शेल में मैं लिखता हूँ जावा सी एड प्रो एप डॉट जावा। तो ये मैं जैसे ही अभी इसे कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो रहा है, मैंने बताया रन करने के लिए एपलेट को। अच्छा, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एपलेट नाम की क्लास है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, मैंने स्मॉल दिया है, इसलिए वो एरर दे रहा है, उल्टा कर दिया है। रुक जाओ। तो हाँ, यहाँ पे मैं इसे इस फोल्डर एपलेट नाम के फोल्डर के अंदर एपलेट नाम की क्लास को यूज करना है। एपलेट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये मैं इस तरह से करता हूँ। उसके बाद फिर से इस कोड को चलाने के लिए CLS, और ये मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो चुका है। अब मुझे एक्शन लिसनर यूज करना है। एक्शन, सॉरी, ऐड, ये क्या बोलते हैं, व्यू, हम लोग क्या यूज करते हैं, एपलेट व्यूवर, तो उसे एपलेट व्यूवर को यूज करना पड़ेगा मुझे, एपलेट व्यूवर, और उसके बाद एपलेट ऐप एड प्रो ऐप डॉट जावा। मतलब इसी फाइल के अंदर तो कोड लिखा हुआ है ना, किसका है, इसका, एपलेट का। तो मैं यहाँ पे इसे फिर से चलाने की कोशिश करता हूँ, तो ये तुम लोग देख सकते हो 500x500 की स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये तुम लोग देख सकते हो हमारा प्रोग्राम हो चुका है, तो ये कोड हमारा तो रेडी है इस समय। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ वो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर दिखाई दे, फिर ये लेबल इसे बोला जाता है, एक टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे, एंटर सेकेंड नंबर दिखाई दे, फिर दूसरी टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे, फिर एक ऐड बटन दिखाई दे, और मैं क्लिक करूँ एडिशन भी हो जाए। तो मुझे ऐसा करना है, मतलब 3-4 काम आज बड़े बड़े करने हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, तो इसे समझते आगे। पहले तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। चलो, यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आ चुका है। हमारे इस एपलेट जो क्लास है, इसके पास पहले से एक फंक्शन है, एपलेट क्लास के पास, और उस फंक्शन का नाम है इनिट, पब्लिक वॉइड इनिट नाम का एक फंक्शन होता है पहले से। ये एक फंक्शन है जो उसके पास पहले से होता है, उसकी ओवरराइडिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मेरे ऐड प्रो ऐप नाम की क्लास में उसकी ओवरराइडिंग कर दी, क्योंकि वो एपलेट के पास पहले से ही है, और वो चलता है, तो अब ये वाला चलेगा, इसके अंदर जो लाइन लिखूंगा वो चलेगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे तुम लोगों के यहाँ दिखा देता हूँ, तुम लोगों को मैं लिख रहा हूँ लेबल, लेबल मुझे अगर एक लेबल बनाना है, लेबल L1 ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू न्यू लेबल, और लेबल पे मुझे मैसेज देना है एंटर फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ये मुझे दिखाई देना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर लेबल, ऐसा ही लेबल, फर्स्ट की जगह यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ फर्स्ट, ऐसा मुझे दिखाई देना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही लिख देने से दिखाई नहीं देगा तुम्हारे एपलेट के उस कंटेनर के ऊपर, ऐसे नहीं दिखता। तो मैं पहले तो यहां से इस लेबल को कॉपी करता हूँ, सेम मुझे लेबल एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे L2 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। क्या क्या चाहिए वो सब बता दो। लेबल हो गया, उसके बाद मुझे चाहिए दो टेक्स्ट फील्ड, चाहिए टेक्स्ट फील्ड भी तो चाहिए दो। तो मैं अब लिखता हूँ टेक्स्ट फील्ड नाम का जो क्लास है, अगर टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो इस क्लास का यूज करना पड़ता है, टेक्स्ट फील्ड T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, और उसके ब्रैकेट्स में कुछ कंस्ट्रक्टर में पास मत करो, नहीं तो वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर रेडीमेड पहले से वो चीज दिखाई देगी। जैसे टेक्स्ट फील्ड है उसमें लिखा होता है एंटर, ऐसा कुछ तो लिखा होता है, जब तुम क्लिक करते हो तो फिर तुम लिख पाते हो, तो कुछ दिखाई ना दे, खाली रखो। इसके लिए इस ब्रैकेट को मैं वैसे ही रखता हूँ, टेक्स्ट फील्ड में कुछ नहीं दिखना चाहिए, वो खाली दिखने चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड हो गई, दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए मुझे,
एक में फर्स्ट नंबर रखने के लिए, एक में सेकंड नंबर रखने के लिए T1 T2 दोनों बना लिए मैंने। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बटन की ज़रूरत है। उस बटन का नाम अगर तुम लोग मेरे एग्जांपल में ध्यान दो तो मुझे यहाँ पे एक ऐड नाम का बटन भी चाहिए, वो बाकी है अभी, ऐड नाम का बटन। तो अगर तुम्हें ऐड नाम का बटन चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बटन B1 इज इक्वल टू न्यू और बटन क्या लिखा होना चाहिए वो बता देते हैं। बटन में दिखना चाहिए ऐड, क्या दिखना चाहिए उस बटन पे, ऐड दिखना चाहिए, तभी उस पे तुम क्लिक कर पाओगे। तो ये चीजें तो मैंने यहां तक बता दी है तुम लोगों को। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक दो चीजें और बताता हूँ कि कुछ नई चीजें हम यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इतना हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे बस हमारा कोड तो इतना ही है वैसे तो। पब्लिक वॉइड इनिट, ये फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ ऐड, क्या क्या ऐड करना है मुझे। सबसे पहले L1 को ऐड करना है, उसके बाद ऐड L2 को ऐड करना है, ऐड L1 को ऐड करना है मुझे, ऐड ये सब कहाँ ऐड हो रहा है, डायरेक्टली कंटेनर पे। T2 को ऐड करना है, उसके बाद ऐड इतनी चीजें तो हमें ऐड करनी है हमारे स्क्रीन पे, कंटेनर पे, ये सब कुछ हमें ऐड करना है। तो ये वाला भी कोड मैंने लिखा है, कोड तो इतना ही है अभी से। एक बार चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था तो बराबर हुआ भी था। मैं एक बार और चला हाँ, ये देख सकते हो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं वही सोच रहा था क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर पहला, फिर एंटर सेकेंड नंबर, फिर यहाँ पे मैं नंबर्स भी एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, बटन पे क्लिक भी कर सकता हूँ ऐसे। देखो बटन भी काम कर रही है। हाँ, लेकिन वही तो पब्लिक डालने की वजह से शायद मैंने एक क्लास पब्लिक नहीं की थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन डिफॉल्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन अब नहीं हो रहा था इसलिए तो हम लोगों ने किया ना पब्लिक उसे। ठीक है, उससे भी मैं समझूंगा, बताऊंगा क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा कोड हो चुका है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, इनिट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, बस यहाँ पे इसे पब्लिक किया। लेकिन एक चीज तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही है कि ये जो दिख रहा है ये एक सिक्वेंस में दिख रहा है। सबसे पहले जो ऐड किया L1 वो दिख रहा है, फिर दिख रहा है L2, फिर दिख रहा है T1 T2 और एक B1 बटन जो है। तो यही चीजें मुझे दिखाई दे रही जो मैंने यहाँ प्रोग्राम में लिखी हुई है सेम। लेकिन मैं ये जो लेआउट सेट है ना, इसे फ्लो लेआउट बोला जाता है। फ्लो लेआउट नाम की एक क्लास है, उस क्लास वाली लेआउट सेट होती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से उसको वहां रखना चाहता हूँ कंटेनर के ऊपर, कंपोनेंट्स को जहां मैं चाहता हूँ वहां पे रखू, वो एक सिक्वेंस में ना दिखाई दे। इसलिए सेट लेआउट मैं यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले तो सेट लेआउट नाम का एक फंक्शन होता है, मैं उस फंक्शन को यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट लेआउट नाम का फंक्शन, और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ नल, मतलब फ्लो लेआउट भी अब ना रह जाए। मैंने यहाँ पे फ्लो लेआउट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट होता है, इसके लिए वो एक फ्लो में दिखाई दे रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ वो फ्लो में ना दिखाई दे, सेट लेआउट नल कर दूं। अब अगर करूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब अभी मैं एक बार और रन करता हूँ, इसे दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो जैसे ही मैं फिर से कोड ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे जावा सी, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एप्लेट व्यूवर कर रहा हूँ, तो अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका रीजन ये है कि अगर मैं नल करता हूँ तो मुझे कहाँ क्या सेट करना है वो बताना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए तो हमारे L1 के पास एक फंक्शन होता है सेट बाउंड्स नाम का,
बताना पड़ता है कि स्क्रीन पे ऊपर से 20 आगे जाओ और फिर 20 नीचे जाओ, मतलब वो कहाँ दिखना चाहिए, कॉमा, विड्थ होनी चाहिए 50, हाइट होनी चाहिए 50 पिक्सल, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद यही पोर्शन पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ, सबके लिए यूज करूंगा, नहीं तो एक करके दिखाता हूँ पहले। तो इसे मैं चलाने के लिए फिर से यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल करने के बाद फिर से रन कर रहा हूँ, तो मुझे एंटर फर्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, नंबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने विड्थ काफी कम दी है, मैंने सिर्फ 50 दी है शायद। तो मैं चेक कर लेता हूँ कितनी दी है विड्थ, तो मैंने यहाँ पे विड्थ दी है सिर्फ 50, इसे 100 कर देता हूँ ताकि और आगे तक चला जाए। तो एक बार और चलाने की कोशिश करते हैं इसे, तो मैं फिर से जावा सी कर रहा हूँ और उसके बाद ये फिर से रन कर रहा हूँ, तो देख सकते हो ये मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, विड्थ मैंने बढ़ा दी, हाइट मैं और भी बढ़ा सकता था लेकिन इतनी ठीक है हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया पहला, अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इस तरह से किए जाए, तो मैं यहाँ पे सेट बाउंस वाले कोड को पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ सबके लिए। L1 के पास सेट बाउंड है तो L2 के पास भी सेट बाउंड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड T1 के पास भी सेट बाउंड है, सबके पास, हर एक कंपोनेंट के पास सेट बाउंड नाम का फंक्शन होता है। तो T1 के बाद क्या लिखूं, T2, उसके बाद क्या लिखूं, B1, वेरी गुड B1, हाँ तो मैं यहाँ पे B1 भी लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसे P कर देता हूँ, लेकिन सब एक ही जगह पे दिखाई देंगे। पहले देखो, अभी मैं बता रहा हूँ 20 मैंने लिखा था, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, कहाँ गया मेरा स्क्रीन, ये 20 मतलब यहाँ से 20 और यहाँ से 20, ये 20 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन और नीचे जाके 50 कर देते हैं ताकि ये सेकेंड नंबर इतना नीचे आ जाए, 50 यहाँ पे तो 50 यहाँ पे होगा, यहाँ से 20 रखो, मतलब 20-50 लिख दो, देखते हैं मैं यहाँ पे इसे 20-50 लिख देता हूँ, क्या 20-50 मतलब ज्यादा नीचे जाए। और उसके बाद अब मुझे बताओ टेक्स्ट फील्ड के लिए क्या लिखना चाहिए, मुझे तुम लोग बताओ, अगर मुझे दो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ दिखनी चाहिए एकदम सामने, तो यहाँ क्या लिखूं मैं, नंबर्स, तुम बोल रहे हो 50 मतलब आगे चला जाए 50, टोटल स्क्रीन हमारी 500 है, 500 में हाफ पोर्शन मान लेते हैं 250 होगा, तो अगर तुम स्क्रीन के मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 270 ले लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 270 आगे जाना चाहिए, लेकिन नीचे कितना जाना चाहिए, जितना ये लेबल है 20, तो 270 20, तो 270 20, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 270 और 20, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला लेबल 270 40 या फिर 50, 270 और उसके बाद 50, ऊपर वाला 50 है तो ये भी 50, तुम्हारा लेबल 250 है ना, तो ये भी तुम्हारा 50 कर रहा हूँ, हो गया है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोगों को आ रहा है क्या सब कुछ, अभी देखो यहाँ ध्यान दो। उसके बाद मुझे बटन चाहिए, बटन कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे ये बटन है, ये इसको मैं ऊपर से ले लेता हूँ 300 मतलब सबसे पहले तो यहाँ से जाना है, यहाँ से मैं जाता हूँ 250 और यहाँ से जाता हूँ 300, 250 और 300 लिख देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 250 सेंटर में 300, ठीक है ना, चलेगा ना। तो अभी मैं इसे चलाता हूँ, फिर से करते हैं कंपाइल, ये मैंने किया और ये मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो मुझे दिखाई दे रहा है इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है जो हम कम कर लेंगे अभी, और उसके बाद बटन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देख सकते हो इसे हम लोग लगे तो थोड़ा और ऊपर भी ले सकते हैं, बाकी ये तो ठीक है, खाली ये बहुत बड़ा दिख रहा है टेक्स्ट फील्ड, जो पहला टेक्स्ट फील्ड है,
इसे मैं क्लोज करता हूँ। पहले तो देख लेते हैं प्रोग्राम में, टेक्स्ट फील्ड की विड्थ ज़्यादा हो गई, सबकी विड्थ ज़्यादा है वैसे तो, कम कर देते हैं। तो मुझे पहले ये दोनों की वैसे ही रखते हैं, ये दोनों लेबल थे, उसके बाद इनकी विड्थ 50 कर देता हूँ, इसकी भी विड्थ 50 कर देता हूँ, और उसके बाद ये 250 की जगह इसे मैं 150 कर दूं, 150 170 ये वन। अच्छा सर, वो हमने विड्थ तो बराबर थी, उसकी हाइट ज्यादा थी ना? हाँ हाइट ज्यादा, तो फिर हमने विड्थ उसकी कम की। पहले चेक कर लेते हैं क्या होता है, वैसे करके देखते हैं एक बार। इसे 300 करने के बाद मैं इसे 150 कर देता हूँ, 150 नहीं हाँ 180 कर देता हूँ। ये तुम लोग अपने हिसाब से जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। उसके बाद और उसके बाद ये मैं चलाता हूँ, हाँ ये हो गया। अच्छा विड्थ मुझे चेंज, हाइट चेंज करनी है, ये 100 इसे और बड़ा भी कर सकते हैं चाहे तो, इसे 150 यहाँ पे, इसे 100 कर देते हैं, नंबर्स है ना तो चल जाएंगे, और इसे 100 कर दूं, इसे कम करना पड़ेगा, 20 कम करने सर वो 20 या फिर 20 की जगह 25 कर देता हूँ, ज्यादा भी छोटा ना हो जाए। और चलाता है, हाँ क्लोज नहीं किया क्या मैंने प्रोग्राम, एक मिनट ये एप्लीकेशन क्लोज करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर। ये मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, ये मैंने कंपाइल किया और ये फिर से रन कर रहा हूँ, हाँ हो गया। अभी जस्ट थोड़ा ऊपर दिख रहा है, अभी के लिए एडजस्टमेंट ठीक है, ये सेटिंग्स तुम लोग करते बैठो आराम से। अभी मुझे ये बताना है तुम लोगों को, 23 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 24, 34 लिख रहा हूँ, कलर्स वगैरह सब सेट किया जा सकता है, आगे हम लोग करने ही वाले हैं। लेकिन अभी मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऐड भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे कोई लेबल नहीं आ रहा, मतलब एक लेबल और बनाना है, जब क्लिक किया जाए तब ही वो लेबल दिखाई दे और वहां पे एडिशन दिखाई दे जो इनकी एडिशन होगी। तो एक लेबल की जरूरत मुझे और है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लेबल और बना लेता हूँ, लेबल लेबल, और ये बोल देता हूँ L1 L2 हो गया L3, और यहाँ पे एक लेबल और बनाता हूँ। अभी जो सीखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अब हम सीखने वाले हैं, अभी मैं बात करूंगा उसके भी बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेबल मैंने लिखा वहां पे L1 L3, तो L3 इज इक्वल टू न्यू लेबल, बस। लेकिन ब्रैकेट्स में कुछ भी मत लिखो, उसको खाली रखो, क्योंकि एडिशन वहां दिखने वाली है, तो फिर कुछ लिख के कोई फायदा है नहीं, डायरेक्टली वो नंबर दिखने वाला है, तुम क्या वहां एडिशन करके वो नंबर थोड़ी लिखोगे, यहाँ पे बार बार तो चेंज होगा ना वो, तो इसे खाली रखते हैं, बस इसे भी ऐड करवा लेते हैं। कहाँ दिखना चाहिए बताऊँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या बोलूँ इसे, L3 बोल रहा हूँ। उसके बाद L3 मुझे दिखना चाहिए, बटन जो है बटन के लेफ्ट में दिखना चाहिए, बटन कहाँ पे है, ये B1 बटन है, बटन नीचे आया, यहाँ से आगे गया हुआ है 250 पे, नीचे है 180 पे, तो ये भी 180 पे ही आना चाहिए, बस 250 नहीं 150 या फिर 130 चलेगा ना, ऐसे भी बस इस जगह पे सेट, लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ पास ही नहीं किया। ये तो चलो ठीक है, इतना कोड लिखा मैंने। अच्छा मुझे एक बात, अब जो सीखना है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, अब मुझे ये सीखना है कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो ये दोनों की एडिशन हो जाए, ये दोनों की एडिशन होने के बाद वो इस लेबल में दिखाई दे, यहाँ पे जो लेबल होगा वहां पे, लेकिन बटन पे क्लिक करने के बाद करना है ऐसा। बटन पे क्लिक करते हो तो बटन ये बोल रहा है, अभी जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बटन पे क्लिक कर रहे हो तो बटन ये बोल रहा है कि
आपने मुझके मेरे ऊपर क्लिक किया हुआ है, लेकिन कौन सा कोड चलाना है पहले वो भी बताओ, कौन सा कोड? ये चलो तो हमें वो कोड स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा ना, क्या? स्कैनर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, स्कैनर का कोई संबंध नहीं, तुम बटन डायरेक्टली टच स्क्रीन से दबा रहे हो, कीबोर्ड से थोड़ी दबा रहे हो। एडिशन के लिए। हाँ ना, एडिशन के लिए ही बोल रहा हूँ, स्कैनर का तो कोई संबंध ही यहाँ आने नहीं वाला है, क्योंकि तुम माउस से क्लिक कर रहे हो यहाँ पे, या फिर टच स्क्रीन है तो टच कर रहे हो, तो क्लिक कर रहे हो, कोई कीबोर्ड से नहीं कर रहे हो तुम कोई काम। जैसे अगर ये कैलकुलेटर देखो यहाँ पे, मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक किया एड, तो यहाँ एड दिखाई दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद क्या दिखना चाहिए? एड दिखना चाहिए, तो कोड है, कहाँ दिखना चाहिए? यहाँ पे, ये बताना पड़ेगा अभी, तो हमारी ये कोडिंग बाकी है, मतलब अभी हमें इवेंट सीखना है, इवेंट इवेंट को हैंडल करना है, कि जब मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन है मान लो तुम्हारा जो चलाना है तुम्हें, मैं उसका नाम रख देता हूँ void run नाम का, रन नहीं मैं रखूंगा दूसरा नाम, अभी समझने के लिए लिख रहा हूँ रन। ये फंक्शन चलना चाहिए तुम्हारे एडिशन की कोडिंग इसके अंदर लिखी हुई है, मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ, ठीक है? इसके अंदर लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रहा हूं, मतलब जब यहां क्लिक हो तो ये कोड चले, तो हमारे इस एड, ये जो बटन है ना, बटन का क्या नाम है, B1, B1 ही है, इसके पास एक फंक्शन होता है एड एक्शन लिसनर नाम का, एड एक्शन लिसनर नाम का एक फंक्शन होता है रेडीमेड। बटन ये बोल रही है कि मेरे पास एक फंक्शन है एड एक्शन लिसनर नाम का, आप उसके ब्रैकेट्स में आप उस फंक्शन जो बनी हुई है, वो किसी क्लास में बनी होगी ऑब्वियसली, किसी क्लास में तो बनी होगी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट इस ब्रैकेट में पास करो, ऐसा ये बटन बोल रही है कि अगर आप किसी फंक्शन को चलाना चाहते हो तो वो फंक्शन जिस क्लास में बनी हुई है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस ब्रैकेट में पास करो। लेकिन यहाँ पे पास हम क्या कर सकते हैं वो ध्यान दो, हम पास क्या कर सकते हैं, एक्शन इवेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक्शन इवेंट नाम की क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट तुम्हें पास करना पड़ेगा वहां पे, तो अगर मैं एक्शन इवेंट, मैं जस्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को, एक मिनट, एक्शन लिस्नर, ठीक है? देखो अब मैं ना यहाँ पे तुम लोगों को एक बात और बता देता हूँ, हमारे पास एक क्लास और होती है जिसका नाम होता है एक्शन लिसनर, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ऐसी बनी हुई है ध्यान से देखो, और ये मैंने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है। अब ये जो बटन है ना B1 डॉट, उसके बाद एड एक्शन लिसनर नाम का जो फंक्शन है, एड क्या, एक्शन लिसनर नाम का एक फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में क्या पास करना होता है पता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का, तो तुम्हें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखना पड़ेगा एक्शन लिसनर A1 इज इक्वल टू न्यू एक्शन लिसनर, यही लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने एक कंसेप्ट तुम लोगों को नहीं पढ़ाई है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कंसेप्ट पढ़ाई है इनहेरिटेंस और इंटरफेस, तुम लोगों को मैंने इंटरफेस नहीं पढ़ाया है, इंटरफेस और इनहेरिटेंस सेम है थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, बस अगर तुम्हें इस क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनानी है, एक्शन लिसनर की एक चाइल्ड क्लास बनानी है, मान लेते हैं तुम लिखते हो क्लास माय कोड, तो तुम क्या लिखोगे, एक्सटेंड्स एक्शन लिसनर, यही लिखोगे, मतलब इसके अंदर के सारे मेंबर्स को तुम यहां एक्सेस कर सकते हो, सही है कि नहीं, मतलब इसके अंदर समझ लो 100 मेंबर्स हैं और यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं, तो टोटल 102 मेंबर्स यहाँ आ जाएंगे इसके भी सारे, क्योंकि तुम एक्सटेंड कर रहे हो, लेकिन ये जो एक्शन लिसनर है ना, ये एक इंटरफेस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरफेस, तो हमें यहाँ एक्सटेंड नहीं लिखना है,
यहाँ पे क्या लिखना है पता है? इम्प्लीमेंट्स, एक्सटेंड की जगह एक दूसरा वर्ड होता है इम्प्लीमेंट्स नाम का। हमें एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स लिखना है, और किसे इम्प्लीमेंट करना है? एक्शन लिसनर को। यहां तक आया समझ में? तो मैं अभी पहले क्या करता हूँ, एक सेपरेट कोड बनाता हूँ। रुक जाओ, मेरे ही प्रोग्राम में सबसे पहले ध्यान दो, ये अगर समझ गया तो बहुत काम आएगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि B1 हर एक प्रोजेक्ट में काम आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुम दोनों ध्यान नहीं दे रहे हो, जो तुम दोनों बीच में बैठे हो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, कब से आपस में बात कर रहे हो। तो अभी ध्यान दो तुम लोग, एड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्शन लिसनर एक फंक्शन है, इसमें क्या पास करना है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये वाला क्या था? ये वाला करली ब्रैकेट किसका है? ये वाला वेरी इनिट ब्रैकेट इनिट का है। अब हम यहाँ आ गए, मतलब कहाँ आ गए? यहाँ क्लास के अंदर आ गए। वो माइक्रो है कोड कुछ तो बनाया था मैंने, ठीक है। इस क्लास में आए, एक क्लास में हम एक और इनर क्लास बना सकते हैं, किसी फंक्शन में नहीं बना सकते, इसलिए मुझे फंक्शन के बाहर आना पड़ा। मैं बनाता हूं क्लास माय कोड, नहीं मैं, ठीक है, इस क्लास का नाम माय कोड रखा। इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, बराबर एक्शन लिसनर, ये इनर क्लास है, बन गई मेरी इनर क्लास। अब इसमें मैं फंक्शन बना सकता हूं मेरा, जिस फंक्शन की मुझे जरूरत है वो बना सकता हूं। लेकिन याद रखो, अगर ये एक्शन लिसनर नाम की क्लास को यूज करना है तो तुम्हें ना ऊपर एक और इंपोर्ट करना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट इवेंट डॉट स्टार, ऐसे लिखना पड़ेगा। ewt.event होता है, event.star, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ तुम लोगों को। हाँ नहीं, ewt.event है वो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ewt.event star, ऐसा कुछ नहीं, क्लास का ही नाम, इवेंट क्लास का नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले import java ewt.star, हाँ event.star, मतलब AWT के अंदर एक फोल्डर है इवेंट, और उसके अंदर की सारी क्लासेस मुझे चाहिए। अगर मैं सिर्फ AWT.star लिखूं तो वो फोल्डर के अंदर की क्लासेस नहीं देगा। आया समझ में? AWT.star लिखने से वो सिर्फ AWT के अंदर की सारी क्लासेस दे देगा, लेकिन उसमें जो फोल्डर्स हैं इवेंट नाम का, उसके अंदर भी क्लासेस हैं, वो चाहिए मुझे। ये लिखा मैंने, यहां तक तो कोड समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। अब मैंने यहां पे अभी कुछ पास नहीं किया है, अभी तक कुछ पास नहीं किया है। मुझे यहां पता है हम लोग क्या करेंगे, न्यू माय कोड का ऑब्जेक्ट ही पास कर देंगे। न्यू माय कोड हो गया ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है? इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब एक्शन लिसनर का ही ऑब्जेक्ट, उसे समझो, बात तो एक ही है। तुम्हें ऐसे पास करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा एक्शन लिसनर को। अच्छा, इम्प्लीमेंट करते हो, इंटरफेस का रूल है, एक रूल बता रहा हूं। इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शंस बने होते हैं उनकी ओवरराइडिंग हमें करनी पड़ती है, ये रूल है, ये रूल है। अच्छा, नहीं करता हूं, इतने पोर्शन को कंपाइल करता हूं, कोई कोड अंदर नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट अब मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। हमें दिख जाएगा कि किसकी ओवरराइडिंग हमें करनी है, बताएगा ये हमारा एरर। देखो मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, एड प्रो, मैंने क्या लिखा हुआ है, इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म। देखो बता रहा है, बोल रहा है कि ये जो है आपने एक्शन परफॉर्म्ड नाम के फंक्शन को तो आपने लिखा ही नहीं, ओवरराइड किया ही नहीं, कैसे आप कर रहे हो? ठीक है, कर लेते हैं, इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वो जब इंटरफेस समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा इंटरफेस का क्या यूज है। अभी के लिए इतना याद रखना, ये मैंने सुबह के बैच को सिखाया हुआ है,
जो पहले की बैच थी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, बड़ी कंसेप्ट है, वो 5 मिनट में नहीं खत्म होगी क्योंकि अभी हमें इसको समझना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड और उसके बाद वो लाइन कर देता हूँ पेस्ट, बन गया फंक्शन। इस फंक्शन को मैं करता हूँ स्टार्ट और इसे करता हूँ क्लोज। जो कोड है मुझे एडिशन का कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा, बटन पे जैसे क्लिक होगा ये कोड चलना शुरू हो जाएगा। याद रखो जब भी तुम्हें कोई भी काम करवाना है तो ऐसे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ऐसे इसके अंदर ही, जैसे v1.addActionListener कॉल करोगे कोड चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, जहां जहां काम करवाना है, जितनी बार क्लिक करवाना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, मुझे वो कोड लिखना है कि सबसे पहले एक गेट टेक्स्ट नाम का मेथड होता है, किसके पास होता है ये, t1 के पास एक गेट टेक्स्ट नाम का ये फंक्शन होता है। वो क्या करेगा, जो भी तुम एंटर करोगे 34 से वो ले लेगा। अब लेने के बाद लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग लेता है तो उसे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। मुझे यहां लिखना पड़ेगा इस पूरे पोर्शन को कन्वर्ट किया जाए, यहां से जो मिलेगा वो किसमें, इंटीजर डॉट पार्स इंट नाम की एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमें कॉल करना, अच्छा इसी फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है हो गया बराबर। क्या हुआ, यहाँ एक और आएगा ना, एक और ब्रैकेट हो गया, इंटीजर डॉट, ये जो t1.getText नाम का फंक्शन है ये इतना हो गया, और ये दो ब्रैकेट, लेकिन दो दो क्यों दिए, एक एक भी तो दे सकते थे हम लोग इसी के अंदर, एक हटा देते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा दोगे ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसकी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ए नाम की मेमोरी में चला जाए जो भी वहां से लिया जाएगा पहले टेक्स्ट फील्ड से। मतलब मैं अगर तुम लोगों को बताऊं मेरी पहली टेक्स्ट फील्ड जो है कहाँ पे है, ये वाली, यहां से जो भी लिया जाएगा वो हम रख रहे हैं कहाँ पे, प्रोग्राम में देखो ए में रख रहे हैं। अब मैं लिखता हूँ इंट बी, बी में रखा जाए इंटीजर, फिर से लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट नाम का जो फंक्शन है, t2 से जो लिया जाए गेट टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है उसकी मदद से ये काम होगा। दोनों ले लिया, अब ये दोनों की एडिशन करके सी में रखो, अब लेबल एक नया मैंने बनाया था, क्या नाम था, L3, मैं लिखता हूं L3 डॉट सेट टेक्स्ट नाम का उसके पास फंक्शन होता है जो सेट करता है, लेने के लिए गेट टेक्स्ट, रखने के लिए सेट टेक्स्ट, क्या जो भी सी में है बस वो वहां दिख जाएगा। लेकिन मैं यहां पे और भी एक चीज लिख देता हूं, एडिशन इज, फिर इज प्लस, बस ऐसे लिख देता हूं, हो गया प्रोग्राम खत्म। इतना कोड मैंने लिखा, एक बार और चलाते हैं देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर चेंज करेंगे हम। तो मैं जावा सी कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, अच्छा एक्शन इवेंट के बाद एक रेफरेंस वेरिएबल नहीं लिखा ना, एक्शन इवेंट ई लिख देता हूँ, ठीक है एक बार और चलाते हैं इसे। ये मैं जैसे ही चला रहा हूँ चल चुका है और ये हो गया। मैं लिखता हूँ 12, मैं यहाँ लिखता हूँ 23, हाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्या नहीं किया, बस अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा ये, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ पहले, इसे ऐसे ही रखता हूँ, मैं कोड चेक कर लेता हूँ एक बार, इसे क्लोज करना पड़ेगा मुझे, कोड देख लेते हैं कोड में क्या बाकी है। हाँ मैं कोड दिखा देता हूँ पूरा, अच्छा ऐड किया है उसे, ऐड नहीं किया है, ऐड b1 ऐड लेबल बाकी है ना, ऐड मुझे भी वही लगा था कि ऊपर का दिया है, L3 नहीं ऐड किया है, कहाँ किया है ऐड, हाँ बाउंड सेट किए थे लेकिन हमने ऐड नहीं किया था। तो अभी क्या करते हैं, फिर से
मैं कंपाइल करता हूँ इसे और इसे चला रहा हूँ। 123 + 112, ठीक है, अब 112 ही लिखता हूँ। तो ये देख सकते हो एडिशन इज 235 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हो चुका है। मुझे ये बताना था कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना सीख लिया है, बहुत बड़ा कोड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कहाँ लगता है इस जगह पे, ये मैं फिर से पढ़ाऊंगा एक बार और। जब इंटरफेस तुम लोगों का हो जाएगा उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, लेकिन याद रखना एक फंक्शन के अंदर मैं क्लास को डिफाइन नहीं कर सकता था, इसके लिए मेरी मजबूरी क्या थी कि मुझे इस क्लास को, इस फंक्शन के बाहर मुझे उसे डिफाइन करना पड़ा। दूसरी प्रॉब्लम बताओ, एक प्रॉब्लम और क्या होती है तुम लोगों को, ये L3 और ये सब जो है ये कहां से मैं यूज कर रहा हूँ, T1। चलो अभी कुछ देर के लिए हटा रहा हूँ, हटा दिया T1 वगैरह कहां बने थे, ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन के अंदर नहीं बने थे, ऊपर बने थे, इसलिए मैं उसे किसी और क्लास में यूज कर पाया। अगर वो इस फंक्शन के अंदर बने होते लेबल L1 तो मैं बाहर तो यूज ही नहीं कर पाता। तो मुझे दूसरा फायदा क्या मिला उसका कि मैं उसे दूसरी क्लास में एक्सेस कर पाया, नहीं तो एरर आती कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ आ गया समझ में, इजी है। इस कोड को जल्दी से लिख लो फटाफट, जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन वाले भी इसे लिख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों को अभी ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, हो गई है, बीच में हम लोग रुके थे, वो तुम लोग समझ जाना जब रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे तो।